गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, टुडे इज़ आर इंग्लिश ग्रामर पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 कंजक्शंस। बच्चों, इस चैप्टर को हम रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पेज टर्न करो, पेज नंबर 47 पर ए नंबर का क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग कॉमास और एंड। बच्चों, इन सेंटेंस को कंप्लीट करिए कॉमा और एंड ऐड करके। ओके, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, यू विल नीड पेपर सीजर्स एंड ग्लू। तो यहाँ पर हम देखिए इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, वाई ओ यू विल नीड पेपर, फिर यहाँ कॉमा आएगा, सीजर, फिर एंड ग्लू। ओके, एक और सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पर सेकंड नंबर का, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल स्विमिंग होमवर्क। तो देखिए इसे कैसे कंप्लीट करेंगे हम, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल कॉमा स्विमिंग, एक सेकेंड है, देखो बेटा स्विमिंग की स्पेलिंग हम वापस से रिपीट लिखेंगे, स्विमिंग एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग और होमवर्क। अब बाकी का आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, सेंटेंस खुद कंप्लीट करना है। बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द सेंटेंस पार्ट्स इन द बॉक्स, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन योर सेंटेंस। बच्चों, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है ना, इसका हाफ पार्ट इस बॉक्स में दिया गया है, वो आपको ढूंढना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है, शी फीड्स द स्पैरो। अब इसका हाफ पार्ट हमें इसमें ढूंढना है, ढूंढिए, और इस सेंटेंस का हाफ पार्ट ढूंढिए इस बॉक्स में से। देखिए ये एज सून एज सी गेट्स अप, ये मैं लिखूंगी, ठीक है, एज सून एज सी गेट्स अप। अब पता है यहाँ पर देखिए, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन योर सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो कंजक्शन है उस पर आपको अंडरलाइन भी करना है। अब कौन सा है कंजक्शन, एज सून एज। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये खुद करना है। ओके, पेज टर्न करो, पेज नंबर 48 पर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में जो भी कंजक्शन है उसमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखिए, जिराफ इज अ टॉल बट टिम्ड एनिमल। तो इसमें बच्चों कौन सा कंजक्शन है, तो बच्चों यहाँ पर क्या कंजक्शन है, बट, इसलिए मैंने इस पे अंडरलाइन किया। सेकंड नंबर का देखिए सेंटेंस, विल यू हैव टी और कॉफी, तो इसमें क्या कंजक्शन है, और। ओके, इस तरह से आप यहाँ तक का कंप्लीट करेंगे, 7 नंबर तक का, है ना। डी नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। ओके, यहाँ पर देखिए सही कंजक्शन को इन ब्लैंक में फिल करना है। देखिए, आई एम नॉट सर्टन रोहित हैज एनी ब्रदर और सिस्टर, इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा। बच्चों यहाँ पर इफ और वेदर में से कोई सा भी कंजक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने इफ लिखा है। ओके, सेकेंड नंबर का देखिए, आई डू नॉट डांस वेल डैश सुनिधि डज, इसमें बट कंजक्शन आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए ई नंबर का क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो सही है उस पर ट्रू करना है और जो गलत है उस पर फॉल करना है स्टेटमेंट पे, ठीक है। कंजक्शंस आर लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स, सही है क्या ये, यस ये ट्रू है, तो ये टी, ठीक है।
वी यूज बट टू लिंक वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग्स. ये फॉल्स है या ट्रू है? ये सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा? ट्रू है. ओके बाकी के सेंटेंस बच्चों आपको खुद कंप्लीट करना है और इस पूरे पेज की पिक हमें ग्रुप में सेंड करनी है और इसे कॉपी में भी नोट करना है, उसकी भी पिक हमें ग्रुप में सेंड करनी है. ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.